नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। सीधी पेशाब कांड पीड़ित आदिवासी युवक और उसका परिवार गुरुवार को सीएम शिवराज से मिलने सीएम हाउस पहुंचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित आदिवासी का हाथ पकड़कर उसे भीतर ले गए, कुर्सी पर बैठाया, पांव धोए, आरती उतारी और तिलक लगाया। शॉल उड़ाकर शिवराज ने उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा, इस घटना से दुखी हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप जैसे लोग मेरे लिए भगवान जैसे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद शिवराज ने कहा था, आरोपी को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बन जाए। कार्रवाई के बाद ट्वीट किया था, एनएसए लगाया, बुलडोजर भी चलाया, जरूरत पड़ी तो अपराधियों को जमीन में गाड़ देंगे। आरोपी प्रवेश शुक्ला को मंगलवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था, उस पर एनएसए लगाया गया है, अभी वो जेल में है। आदिवासी पर नशे में पेशाब करने के आरोपी भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला का घर बुधवार को प्रशासन ने तोड़ दिया था। रात को कांग्रेस नेता पीड़ित के घर धरने पर बैठ गए। वे आरोपी का घर पूरी तरह से तोड़ने की मांग कर रहे हैं। सीधी से बीजेपी विधायक केदार शुक्ला भी पीड़ित के घर पहुंचे थे। आरोपी प्रवेश का घर तोड़ने बुधवार को पहुंची जेसीबी देकर आरोपी की माँ और चाची बेहोश हो गई। सियावल एसडीएम आरती त्रिपाठी ने बताया कि घर का करीब एक तिहाई हिस्सा अवैध है, उसे ढाया गया है।